ग्राम पंचायत पिपरा निवासी भोजपुरी फिल्म अभिनेता पप्पू यादव के द्वारा रामदयालगंज बाजार में रामदुलार यादव के नाम से इंटरलॉकिंग ईंट उद्योग का किया गया शुभारंभ। इस मौके पर सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे, जैसे वार्ड नंबर 48 से जिला पंचायत सदस्य प्रेम नारायण यादव उर्फ बाबा, वार्ड नंबर 47 से जिला पंचायत सदस्य संदीप यादव, मछली शहर ब्लॉक प्रमुख रूपेश यादव, मणियाहू ब्लॉक के एडीओ पंचायत प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मणियाहू ब्लॉक में आने वाले 99 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान संतोष सिंह, सुभाषपुर भीमसेन, कलावर ताजुद्दीनपुर, रतिलाल औरैला, विजयलाल यादव उगापुर, नरेंद्र मौर्या फत्तूपुर, कविंद्र यादव कुतुबपुर, अमित सिंह उर्फ डब्बू, पप्पू यादव ग्राम प्रधान बिलवा, औरैला ग्राम सभा के वरिष्ठ समाजसेवी स्वतंत्र कुमार मिश्रा आदि सैकड़ों सम्मानित लोग उपस्थित थे। जब यहां पर उपस्थित पप्पू यादव फुल मूवी नेता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा यह इंटरलॉकिंग ईंट उद्योग खोलने का एक ही मकसद है कि लोग क्वालिटी में कंजूसी करते हैं, क्वालिटी खराब देते हैं, इसलिए मैंने ये खोला है कि क्योंकि मेरी पत्नी मणियाहू ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव हैं, जिला पंचायत निधि से चाहे ब्लॉक प्रमुख निधि से ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा जो भी ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है उसके लिए एक नंबर क्वालिटी की ईंट दी जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह पर इंटरलॉकिंग लगा है, वहाँ एक साल भी नहीं बीता कि इंटरलॉकिंग की जो ईंट है वो टूट जा रहा है, जो कि इंटरलॉकिंग क्वालिटी को ख़राब बयान करता है कि वह थर्ड क्वालिटी का था। इसलिए मैंने इस इंटरलॉकिंग ईंट उद्योग का शुभारंभ सभी क्षेत्रवासियों के विकास के कार्य में सहयोग करने के लिए बनाया है। और भी विकास के कार्यों में सहयोग करने वाले ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के निधि द्वारा जो भी कार्य कराया जाए उसके लिए यह इंटरलॉकिंग एक नंबर क्वालिटी का ईंट लगवाया जाएगा, जिससे भविष्य में रास्ते जल्दी खराब न हो और गांव का चौमुखी विकास हो सके। आइए सुनते हैं मणियाहू से कपिल देव सिंह की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? भैया प्रणाम, हम पप्पू यादव। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ हमारे रमदियालगंज में सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। हमारे प्रमुख भैया, जिला पंचायत भैया, तमाम प्रधान और मंडल भैया आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, सब प्रधान भी हैं, सभी प्रधान हैं और सभी लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये काम करने का उद्देश्य यही था कि जो चीज़ें बनेंगी हमारे यहाँ जो काम होगा मजबूती से काम हो, क्योंकि ईंट अगर आप अच्छा बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो काफ़ी दिन तक चलेगा, और इसीलिए ये प्रयोजन किया गया है आप लोगों के सेवा के लिए। और निश्चित रूप से आप लोग एक बार हम छोटे भाइयों को आशीर्वाद देंगे। और इस कंपनी के खोलने से आपके क्षेत्रवासियों को क्या फ़ायदे होंगे? देखिए भैया, ईंट बन रहा है, मजबूती से ईंट बनेगा, जब ईंट जहाँ लगेगा काफ़ी समय तक चलेगा, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? जनता को ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसीलिए इसका काम करने का प्रयोजन यही था कि अच्छा ईंट बनेगा तो निश्चित रूप से जहाँ लग जाएगा तो 20-25 साल तक चलेगा। आपका मकान प्रॉपर कहाँ है सर? भैया मेरा मकान जो है पिपरा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अभिनेता पप्पू यादव जौनपुर की माटी से आप लोगों को प्रणाम और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? प्रेम नारायण यादव बाबा, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 48। आज यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से? आज यहाँ इंटरलॉकिंग मशीन का उद्घाटन हुआ है हमारे पिता श्री रामदुलार यादव पहलवान के द्वारा। हम आने वाले सारे साथियों का सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सबका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। और क्षेत्र पंचायत मणियाहू की प्रमुख हमारी भैया रेखा यादव, ब्लॉक प्रमुख मणियाहू है, उनके नेतृत्व में मणियाहू को निश्चित रूप से हम अग्रणी विकास की श्रेणी में देखना चाहते हैं आप सबके सहयोग से। किस नाम से सर इस कंपनी का उद्घाटन हुआ है? रामदुलार यादव। अच्छा, रामदुलार यादव। और क्या नाम है सर आपका? रूपेश यादव, ब्लॉक प्रमुख मछली शहर। सर आप जो यहाँ पर आए हैं आज, ये जो ईंट कंपनी का उद्घाटन हुआ है, कुछ अपने तरफ से दो शब्द कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम बड़े भाई अपने जिला पंचायत सदस्य बाबा यादव और हमारे भाई तुल्य जो है पप्पू यादव को जो है इनको ईंट का जो इंटरलॉकिंग का प्लांट खोले हैं उसके लिए हम अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं, और आशा करते हैं कि मणियाहू ब्लॉक का ये
बहुत ही अच्छे से और पूर्ण विकास करेंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं इनको एक बार फिर से जो है हार्दिक वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? दीप कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 47। आज जो यहाँ पर पिपरा निवासी पप्पू यादव के पिता के नाम से ये ईंट उद्योग का उद्घाटन हुआ है, आप क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द इसके बारे में? जी जी, आज मैं उद्घाटन में आया हूँ इंटरलॉकिंग मशीन की। खास करके सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जो ईंट लगेगी उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इंटरलॉकिंग मशीन खोली गई है, जिससे क्षेत्र में मजबूत ईंट का उपयोग हो और वो कुछ दिन तक चले। अच्छा, इससे फायदे क्या क्या होंगे? अगर जैसे यहाँ से सिर्फ जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के ही लोग ले जा सकते हैं कि और भी लोग? नहीं, ये एक ऐसे स्थान पर खुली है, यहाँ से आपका शहर भी नज़दीक है, नगर पालिका में इस ईंट का उपयोग होगा और कई क्षेत्र पंचायतों में, कई ब्लॉकों में इस ईंट की सप्लाई होगी। जैसे रामपुर, बगल में मछली शहर, बगल में बरसठी, कई ब्लॉकों में इस ईंट का उपयोग होगा। मतलब इस ईंट उद्घाटन से, इस ईंट उद्योग के उद्घाटन से काफ़ी लोगों को फायदे होंगे। फायदा भी होगा, मजबूत ईंट मिलेगी लोगों को, मतलब मजबूती क्वालिटी एक क्वालिटी नंबर एक रहेगी, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है और उम्मीद है कि ये क्वालिटी हमेशा बरकरार रहे। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 47।